रिपोर्ट मैं देख रही हूँ आपके आंखों के सामने, तो देखते हैं बस सब ठीक है। गाइस अभी सब्जी आई है, फ्रेश फ्रेश सब्जी अम्मा लेके आई है फतेहपुर से। अम्मा कहाँ से, कितने दूर से है? कितने यहाँ से कितने दूर है? अरे बड़ा 15 किलोमीटर। हाँ हाँ हाँ, वहीं नौकरी करता हूँ। हाँ ये दे दो, दो एक किलो दे दो। एक किलो? हाँ एक किलो पालक। हाई क्यों ले के? गोभी कैसी थी? गोभी हाई हाई। हाँ 40 रुपया एक गोभी दे दो। गुड मॉर्निंग बिल्कुल सब कुछ होगी। गुड मॉर्निंग, हर रोज उठ जाती हूँ। स्टार्ट कर दो ब्लॉग। चलो चलो चलो, ये देखो देखो खोल दी इसने। तुम ना तुम छोड़ो, मैं तो खोल लेता हूँ यार। मैं चल पिट्टी खा गया। चल ब्रो सुबह सुबह एंजॉय कर लेता है ना। आ मैं पकौड़ा सब्जी लेके आऊँ। वाओ कितनी बढ़िया गोभी, अच्छी गोभी दिया ना तेरी मम्मी, तो गोभी बनाती है। पता आंटी आंटी बोल रही थी सुबह सुबह उठा के लाए पालक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप सब कैसे हैं? आज है मंडे, तो आज ऑफिस जाना है। तो आज दीक्षा ने बनाया है स्पेशल सा नाश्ता, जिसमें सूजी के क्या कह सकते हैं उसको, सूजी की रोटी बनाई है, नमकीन वाली। साथ में ये स्प्राउट्स हैं जिसमें चना और मूंग है, और ये है बीट रूट का जूस, और ये ड्राई फ्रूट्स, हेल्दी फूड। मैं दूसरा लेके आती हूँ। अभी ना शाम के 6:30 बज रहे हैं, और दिन में मैंने बहुत सारे काम वाम निपटाए थे, तो अभी शाम हो गई है। मुझे दिन भर मतलब आज ना मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैंने जो ब्लॉग डाला था 25 जनवरी का, उसमें हम लोग मेरा एक टेस्ट हुआ था ट्रिपल मार्कर टेस्ट, तो उसकी रिपोर्ट आनी थी, तो उसी चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो आज वो रिपोर्ट आनी थी, बट हस्बैंड जी बैंक चले गए थे 7 बजे तक ही, जहाँ से हमें रिपोर्ट लेनी है वो खुला रहेगा। लोगों को पता ही है कि कितनी टेंशन होती है इन सब चीज़ों की, है ना। सुना है वहाँ पे रोड में कोई जा रहा होगा, उनके लिए भौंक रहा है पागल सा। देखो इसे, देखो इसे। शाम को पीछे भजन चल रहे हैं, मंदिर की पूजा मैंने कर ली है, वहाँ पे देखो दिया जल रही है वहाँ मंदिर में, और अब शाम की तैयारी करते हैं। और इस रूम के हालात कुछ इस तरीके से हैं, ये तो एक ऑफिस रूम बना दिया है हस्बैंड जी ने, और बाहर ना बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। बंदर कहाँ है? सारे एक गिरा दिया क्या? तो यहाँ पे देखो सारे कपड़े लगे पड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसे हैंगर से हैंग करने में जल्दी सूख जाता है। यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, और तुम्हें पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। चल बंदर नहीं है, अंदर चल। सारे काम बिगाड़े, काम बिगाड़ो, ये काम बिगाड़ो, काम बिगाड़ो। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि रिपोर्ट में क्या आएगा, क्या आएगा रिपोर्ट में, क्या आएगा। बस होप रिपोर्ट में जो भी आए अच्छा पॉजिटिव आए, अच्छा आए, मतलब सब कुछ ठीक हो। अच्छे ही लग रहे हो बेबी, इतना क्यूट फेस बना के आ रहे हो। मैं कह रही रिपोर्ट लेके आए। अरे रिपोर्ट जो ला रही थी ट्रिपल मार्कर वाली, आप देखी हम पढ़ ली। परीक्षा की घड़ी खत्म हो गई है, हस्बैंड जी आ गए हैं, और मेरी रिपोर्ट भी आ गई है। अब देखते हैं रिपोर्ट में क्या है, रिपोर्ट लेके आओ, बताऊंगी कि रिपोर्ट में क्या है। वैसे हम डॉक्टर नहीं है, बट पढ़ना तो थोड़ा बहुत आता है। लेट्स सी, भगवान सब अच्छा हो। पहले दे देते हैं इनको गर्म पानी और नमकीन हस्बैंड जी को। ये लो ये लो, बुन्नी खा ले बाबू, खा ले तू भी खा ले। बुन्नी का डोंगे में डाला है, खा ले, ईट जा, ईट गुड बॉय, ईट ईट गुड बॉय। इसे पुच्छी देनी पड़ती है तब खाता है। वहां पर डाला हुआ है, खा नहीं रहा, जा ईट। रिपोर्ट मैं देख रही हूँ आपके आंखों के सामने, तो देखते हैं बस सब ठीक है। सबसे पहले तो गाइस एंड वाला ही देखती हूँ। इसमें तो लिखा है द रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम इज लेस देन द स्क्रीनिंग कट ऑफ, मतलब नहीं हुआ ना कुछ दिक्कत। तो गाइस जितना मुझे समझ आ रहा है, मतलब हम लोगों को समझ आ रहा है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि ठीक है, मतलब कोई रिस्क नहीं है। बस थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी।
हरे महादेव भगवती मैया गोलू है, गोलू देवता के आशीर्वाद से हमारा आज वाला टेस्ट भी सब सही है। बस अब डॉक्टर के पास इसको लेके जाएंगे रिपोर्ट को, बट जितना हमें समझ थोड़ा बहुत तो समझ आ ही जाता है कि कहाँ पे क्या हाई रिस्क लिखा है, लो रिस्क लिखा है या रिस्क नहीं लिखा है। तो लो रिस्क लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ये रिपोर्ट में आपको अच्छे से क्या होता है क्या नहीं होता है इसे डिटेल में अभी थोड़ी देर में बताऊँगी। सिंड्रोम एंटीडी एंड ट्राइसोमी तीनों स्क्रीन नेगेटिव हैं, बस अब डॉक्टर को दिखा देंगे। और यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है डाउन सिंड्रोम एंटीडी और ये सब। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। अब सुबह सुबह धूप आ जाती है तो मैं भी जस्ट उठी हूँ और हस्बैंड जी जाएंगे ब्रूनो को घुमाने के लिए। मैं भी आऊँगी यहाँ नीचे, ठीक है। सुबह का मौसम कितना प्यारा लग रहा है देखो। गुड मॉर्निंग बन्नी। नो भैया कोई जरूरत नहीं गुड मॉर्निंग की, गुड मॉर्निंग सुना इन्हें, इसे कोई जरूरत ही नहीं है गुड मॉर्निंग की यार। देखा गाइस आज है सैटरडे तो दीक्षा को मैंने बोला कि दीक्षा आज तो मेरा चीट डे है। तो चीट डे मतलब लाइक यहाँ पे दो तीन ऐसे दिन होते हैं जिसमें मैं पूरा फुल मजे होके खाता हूँ। तो आज चीट डे है तो दीक्षा ने बनाया है पालक के पराठे, बहुत टेस्टी यम्मी। मम्मी उठ गए। क्या लाए हो, क्या लाए हो इतना लेट आए हो? डिनर में क्या क्या बनाया आप लोग देख लो। हरी सब्जी, दाल, पनीर भुर्जी। और मेरे सकल के निहार में सकल भी बनी है क्या? बनी है। जो कल का ब्लॉग था वो आज एंड कर रहे हैं क्योंकि कल समय नहीं मिल पाया था, तो उसका ब्लॉग आज एंड करते हैं। तो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जो आज का ब्लॉग है वो कल आएगा तो उसके लिए सॉरी दिल से। बट गाइज आजकल बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल हो जा रहा है, आप लोग को ब्लॉग भी दिखाना है तो, बट हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलो तो गाइज ब्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको उसी ठंडी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हर हर महादेव, जय भगवती माँ की जय।